नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों कोरोना आया है, थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवा दी और पता नहीं क्या हुआ, हिंदुस्तान थाली बजाए, उसके बाद कहते घंटी बजाओ, हिंदुस्तान घंटी बजाए, उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन निकालो, उसकी लाइट जला दो। अब देखिए, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गहरी बात बोल रहा हूं, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और ये एक्शन ले बजाय अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय, मजदूरों के लिए रेलवे टिकट बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये 24 घंटे दिखा रहे, भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहे, देखो घंटी बज रही है, घंटी बज रही है, सब देखो, तो ताली बजाओ भैया, घंटी बज रही है। और आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए, मेरे फोन पर अभी वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ बोला उन्होंने?